बहुत अच्छा कैलेंडर, इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। रूना हर बार एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आती हैं कैलेंडर्स का। इनका पहला कैलेंडर मैंने शॉट किया था गोवा में, बहुत वो भी बहुत डिफरेंट था। और बहुत कम लोग हैं जो मेंस कैलेंडर को लॉन्च करते हैं, बिकॉज लोग कहते हैं वुमेन जो होती हैं वो ज़्यादा ग्लैम क्वेश्चन में आती है, पर आई थिंक शी लॉन्च अ मेन कैलेंडर विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, विच इज़ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट फॉर अ कंट्री। एंड आई एम श्योर लाइक वुमेन्स कैलेंडर द मेन्स कैलेंडर विल ऑल्सो डू वेरी वेल। 2021 क्या करने वाले हैं कुछ आप बताना चाहेंगे फैशन डिजाइनिंग वर्ल्ड के लिए? अभी तो मैं अब एक प्रेयर कर रहा हूँ एक शो के लिए, विच नेक्स्ट मंथ, जो मैं नॉर्थ जा रहा हूँ। उसके बाद जैसे जैसे महीने आते जाएंगे बहुत सारे कॉल्स हैं, बहुत सारी प्रॉमिसज हैं, बस वेट कर रहा हूँ वैक्सीन आ जाए जल्दी से सब लगवाएं तो सारी चीज़ें सामान तरह से खुल जाए और आप बहुत सारा रोहित वर्मा का कलेक्शन देखें। ओके, इसके अलावा बिग बॉस काफ़ी धमाल कर रहा है, राखी सावंत काफ़ी धमाल मचा रही है, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक राखी सावंत का नाम ही बहुत है, शी इज़ अ कंप्लीट एंटरटेनर, शी इज़ क्यूट, जो भी बोलती हैं दिल से बोलती हैं, बहुत मज़ा लगा रही है। जब बिग बॉस की टीआरपी एकदम गिरी थी जब से राखी सावंत घुसी हैं, तब से उन्होंने बहुत ज़्यादा ही तहलका मचाया है और मैं आशा करता हूँ वो बहुत देर तक रहें शो में। एंड मे द बेस्ट विनर विन। लेकिन घर के लोग जिस तरह से उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं, सी एल चलिए देखिए, हम लोग 24 आवर्स वहाँ पे रहते हैं, आप 12 आप सिर्फ एक घंटे का शो देखते हैं वहाँ पे, इट इज़ टफ, बट यू नो आई थिंक लेट्स नॉट गेट देयर एंड इट्स अ एंटरटेनमेंट। हम शो को शो की तरह देखें, बाहर निकल के सब जीत जाते हैं, सब प्यार करते हैं एक दूसरे से, सो आई थिंक इट्स गुड। एंड जहाँ चार लोग रहते हैं वो बर्तन तो खनकते ही हैं थोड़े से। इस हफ्ते काफी सलमान इमोशनल हो गए हैं, जैस्मिन और अली की जो एलिमिनेशन राउंड हो रहा था रूबीना, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सलमान इमोशनल मतलब कुछ फेवरिज्म तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो कोई फेवरिज्म हो रहा है। एंड आई थिंक सलमान इज अ वेरी इमोशनल पर्सन, वो बहुत इमोशनल मोमेंट था, पूरा हिंदुस्तान रोया है, ऑब्वियसली दो पंछियों का जोड़ा बिछड़ गया। सो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, एवरीबॉडी हैज टू गेट आउट वन डे। अली और जैस्मिन के रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं? आपकी फ्रेंड भी हो गए जैस्मिन? जी मैं जैस्मिन को जानता हूँ पर मेरी फ्रेंड नहीं है वो, बट आई थिंक सो ये बहुत पर्सनल चीज़ है, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, बट आई थिंक वी शुड गिव देम स्पेस। आपके कौन फेवरेट है? राखी तो आपने बताया, रुबीना आई लाइक एजाज मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, रुबीना मेरे को अच्छी लगती है, एजाज बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, मेरे को राखी बहुत पसंद है, मेरे को विकास और पवित्रा का क्या लगता है? आई थिंक वो आने वाला समय बताएगा उनका क्या है। क्या लगता है बिग बॉस में कई लोग जोड़े बनाते हैं क्या टीआरपी के लिए या फुटेज मिले? आई डोंट थिंक सो, यू नो ये सब इमोशनल कनेक्शन होता है, एवरीबॉडी वांट्स टू सस्टेन इन द हाउस, एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले द गेम, सो आई थिंक सो वो तो सच्चाई तो हम लोग जब बाहर निकलते तो समझ में आती है क्या है। आप कब जाने वाले बिग बॉस के घर? जब बुलावा आएगा, निमंत्रण आएगा, जरूर जाऊंगा। सलमान सर से कुछ कहना चाहिए आप? Well, Salman bhai, you are the most sweetest thing ever happened to our country and may God bless you. Allah pe meherbani banaye rakhe aur aap haste rahe, khush rahe, tandurust rahe aur hame hasate rahe. Thank you so much. Lovely talking to you.